नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। यूपी के विधानमंडल बजट सत्र का दूसरा दिन, मुख्यमंत्री योगी ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा सत्र से पहले अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, बोले बीजेपी ने अधिकारियों को खुली छूट क्यों दे रखी है। हंगामे को भांपते हुए बोले सीएम योगी, सदन को बाधित करना लोकतंत्र और देश हित में नहीं। सपा के प्रदेश इकाई और फ्रंटल संगठनों में दिखेगा बदलाव, दो दौर की हो चुकी है कसरत, नए नामों पर भी विचार। अखिलेश यादव ने एक सरकार पर वार किया, भाजपा सरकार ने बड़े सपने दिखाए लेकिन इन्वेस्टर समिट से कुछ नहीं आने वाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उप मुख्यमंत्री केशव पर किया पलटवार, काम में नहीं चाहिए प्रमाण पत्र। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी के पिता के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। यूपी का सबसे बड़ा बजट कल होगा पेश, योगी सरकार की 2024 को साधने की कोशिश, कुंभ का फंड बढ़ेगा। राजा भैया की पत्नी ने एमएलसी देवर पर करवाई एफआईआर, अक्षय प्रताप सिंह पर फर्जीवाड़े का आरोप। साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर पर कसा तंज, कहा स्वरा भास्कर ने श्रद्धा के सूटकेस में 35 टुकड़े नहीं देखे। सपा विधायक इरफान सोलंकी और एक और फर्जी खारिज कर दी गई, प्लॉट पर आगजनी मामले में विधायक समेत तीन पर 24 फरवरी को तय होंगे आरोप। आप सांसद संजय सिंह बोले, यूपी के मंत्री राकेश को आवंटित हुए 72 प्लॉट सीबीआई ईडी कहां है। ताज महोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फीता काटकर महोत्सव का किया उद्घाटन। स्वरा और फहद की शादी पर बवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने शादी को बताया नाजायज, हिंदू महासभा बोली ये जिहादी है। ताज महोत्सव पहुंची मेनका मिश्रा ने अपने गानों से बांधा समा, ताज महोत्सव में पहुंचे विदेशी पर्यटकों ने उनके गानों का उठाया लुत्फ। स्वरा भास्कर और फहाद अहमद को एमयू में दी जाएगी शादी की पार्टी, फैसले पर छात्रों में टकराव। आरटीओ रिहाना बानो ने अमीनों के साथ की बैठक, जिसमें आरसी बकाए को लेकर हुई बैठक। देश के 8 राज्यों में 72 जगह एनआईए के छापा, बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भी एनआईए ने मारा छापा। और औरैया में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। चंदौली में बहुचर्चित धीरज गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
औरैया में सड़क हादसे में परीक्षा देने जा रहा बाइक सवार हुआ घायल, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग के चार शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार। गोंडा में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को जमकर पीटा, मौके से दबंग हुए फरार, परिजनों ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई में पति पत्नी में मामूली विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में युवती की धारदार हथियार से नृशंस हत्या, घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कासगंज में ट्रेन की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत, तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। रायबरेली में जुए में हारने के बाद भाई ने किया आत्महत्या का प्रयास, जहर खाने से युवक की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। जिला कारागार मैनपुरी में चलाया गया महिला जागरूकता अभियान, कार्यक्रम का संचालन बाल शिक्षण अधिकारी अलका मिश्रा ने किया। रायबरेली में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, ट्रक पलटने से ड्राइवर घायल, घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज में बाइक सवार पर किया गया हमला, घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धार्मिक स्थल में हुई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध, विरोध में कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। अब्बास अंसारी की जेल में होगी सख्त निगरानी, डीजी जेल ने कासगंज जेल भेजे बॉडीगार्ड, ड्रोन कैमरे। अमेठी में ई रिक्शा को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, टक्कर में एक की मौत, 13 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गंगा में दो प्रेमी युगल का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर शिनाख्त में जुटी। हमीरपुर में पुराने रंजिश के चलते युवक की हुई जमकर पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती विवि में हंगामा, शिवाजी की जयंती मनाने को लेकर जमकर हुआ विवाद। कानपुर में ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने लिखाया मुकदमा, जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम पर दर्ज कराया गया मुकदमा। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को बड़ा झटका, मंत्री राकेश सचान के आवंटित 72 भूखंड किए गए निरस्त। मां बेटी की जलकर मौत के मामले में एसआईटी टीम ने 7 से 8 लोगों के बयान के दर्ज, एडीजी आलोक सिंह ने दर्ज कराया बयान। लखनऊ में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, 2 दिन पहले हादसे का शिकार हुए रिक्शा चालक की मौत से जुड़ा है मामला। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, यूफ्लेक्स ग्रुप के 64 ठिकानों पर की छापेमारी।
आइसक्रीम विक्रेता पर कातिलाना हमला, पैसे देने के विवाद में दबंगों ने बोला हमला, लहूलुहान कर लूट लिए नकदी। बदायूं में आपसी रंजिश को लेकर युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, आरोपी मौके से फरार। कमरे के अंदर महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने प्रेमी पर लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज में टैंकर ने युवती को रौंदा रोड क्रॉस करते समय 100 की स्पीड से आ रहा था दूध का टैंकर ऊपर चढ़ा। शिक्षा अमित के हत्या हमलावर को पीट पीट कर मार डाला, औरैया में 13वीं कार्यक्रम में डबल मर्डर, देर रात आईजी पहुंचे। दस मिनट में 20 सोने की चेन चोरी, मेरठ में टोपी लगाकर घुसा चोर, बोला चांदी की ताबीज दिखाओ फिर जेब में रखी चेन। आठ साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, टॉफी का लालच देकर ले गया था करीबी रिश्तेदार, कीचड़ में दबाया था शव। पाइपलाइन तोड़ने पर वोडाफोन पर एफआईआर, 50 मोहल्ले में 2.5 लाख लोगों को नहीं मिला पानी, 10 लाख वसूले जाएंगे। एटीएम लूटने उत्तराखंड से यूपी आए थे बदमाश, यूट्यूब से एटीएम को टेम्परिंग करना सीखा, मेरठ पुलिस ने 2 बदमाश को पकड़ा। कोटेदार का ग्रामीणों से अभद्रता, आजमगढ़ में राशन लेने पहुंचे लोगों को दे रहा धमकी, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में कार की टक्कर से खाई में गिरी बाइक, हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। गाजीपुर में आरपीएफ ने अवैध ई टिकट संग आरोपी को पकड़ा, 11 अवैध ई टिकट और नकदी बरामद। पुलिस ने सांसद के निजी सचिव के भाई को पीटा, नकदी भी लूटे, मथुरा में दरोगा और 2 सिपाही निलंबित। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में 6 दिन से बिजली नहीं, इमरजेंसी लाइट में देखे जा रहे मरीज, एक्सरे सीटी स्कैन मशीनें बंद। गाजीपुर में 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर, रिश्तेदारी में जा रहे एक युवक की मौत, 2 की हालत नाजुक, भौं रेफर कर दिए गए। जर्जर बाउंड्री वॉल गिरने से छात्र की दबकर हुई मौत, अयोध्या में छुट्टी के बाद स्कूल में खेलते समय हुआ हादसा, पुलिस कार्रवाई में जुटी। इटावा में बावरिया गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तारी की गई है, चोरी करते समय महिला की हत्या की थी, 2 दिन पहले हुई थी घटना। मिर्जापुर में 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग घायल, सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस टीम की फाड़ी वर्दी, आरोपी गिरफ्तार। निखत के पूछताछ के बाद सपा नेता गिरफ्तार, डीआईजी ने कहा विदेशों के भी खंगाले जा रहे तार, अन्य सहयोगियों की तलाश जारी। आगरा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत, आगरा ग्वालियर रोड का है पूरा मामला। डीजल से संचालित सिटी बसों के थम गए पहिए, प्रयागराज शहर में अभी बसों का सहारा, शहरियों को आवागमन में हो रही है परेशानी। छात्रा खुशबू को न्याय दिलाने का निकाला कैंडल मार्च, गाजीपुर में छात्रा ने जहर खाकर किया सुसाइड।
मनीष गुप्ता हत्याकांड में होमगार्ड को क्लीन चिट लिफ्ट से मनीष को उठाकर गाड़ी में रखवाया था। यूपी बोर्ड परीक्षा में मुन्ना भाई एवं नकल माफियाओं सहित 13 गिरफ्तार, इन सभी गिरफ्तार लोगों में 5 महिलाएं भी शामिल। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी पर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक पक्ष के 3 वही दूसरे पक्ष के 5 लोग हुए घायल। बरेली में ड्राइवर की पत्नी के साथ रेप, पति गया हुआ था बारात, एडीजे के आदेश पर 10 दिन बाद मुकदमा दर्ज। संपत्ति विवाद में हुई थी रेहान की हत्या, मुरादाबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, 17 फरवरी को जंगल में मिला था शव। कौशाम्बी में पति ने घर में की तोड़फोड़, पत्नी से मांग रहा था शराब के लिए पैसे न देने पर पिटाई की, मुकदमा दर्ज। प्रेमिका के लिए जिंदगी हार गया कांस्टेबल, बरेली में सरकारी पिस्टल से मारी थी गोली, विवाहिता से कर रहा था फोन पर बात। हाथरस में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। फतेहपुर में एएसपी ने पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली, कार्यालयों का किया निरीक्षण। उन्नाव में तैनात दीवान की सीतापुर में मौत, 5 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर जा रहे थे घर। अंबेडकर नगर में कपड़े की दुकान में लगी आग, दुकान बंद करके घर गया था दुकानदार, अज्ञात कारणों से लगी आग। गाजियाबाद नगर निगम में भूख हड़ताल शुरू, तेज बहादुर चौकी बदहाली से शिरोमणि अकाली दल में आक्रोश। फिलहाल 75 जिले के